आज फिर हुआ मेडिकल के प्राइवेट ठेका कंपनी के अधिकारियों का खुलासा। कुछ समय पहले सुपरवाइजर ने पॉइजन खाकर की थी आत्महत्या। आज फिर सफाई कर्मचारी ने मेडिकल कैंपस के अंदर की आत्महत्या। आपको बता दें, आज फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चल रही प्राइवेट ठेका कंपनी में कार्यरत सफाई विभाग के कर्मचारी ने मेडिकल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। क्योंकि यहां पर चल रहे प्राइवेट ठेका कंपनी में कार्यरत कुछ ठेका कंपनी के अधिकारियों के मनमानी रवैये के चलते जान की कीमत मानो मिट्टी के बराबर है। या कोई नई बात नहीं है कि अधिकारियों के प्रताड़ना से कई जान गई है। ऐसा ही मामला बीते एक साल पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर के साथ बीत चुका है। आज नया नाम नया चेहरा है जिसने प्रताड़ना के चलते मौत को गले लगाया है। सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट ठेका कंपनी के अधिकारियों की प्रताड़ना का शिकार राहुल नाम का युवक हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है और रीवा का रहने वाला है, जो मेडिकल कॉलेज में सफाई विभाग में काम कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन सीनियर अधिकारियों की प्रताड़ना में आकर आज उसने मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें, कुछ इस प्रकार था पूरा मामला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय यह घटना हुई उसी समय उसी के साथियों की मुंहजवानी बातें थी कि अधिकारियों ने बहुत प्रताड़ित कर दिया, इसी वजह से राहुल ने फांसी लगाई है। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना यह भी था कि राहुल की ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक थी। रात्रि 10 बजे राहुल ने अपनी ड्यूटी खत्म कर कुछ दोस्तों से बातचीत भी की, लेकिन फिर ऐसी क्या बात हुई कि राहुल ने फांसी लगा ली? अगर फांसी लगा ली तो क्या किसने देखा या रोका भी नहीं? सवाल तो ये भी उठता है कि मेडिकल में तैनात सुरक्षा विभाग बस नाम के लिए है। क्या रात में किसी भी कर्मचारी के द्वारा पेट्रोलिंग नहीं की जाती? पेट्रोलिंग अगर की जाती तो शायद यह वारदात नहीं हो पाती। लेकिन सुरक्षा विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारी खुद नशे की हालत में होते हैं एवं सोने से फुर्सत मिले तब अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और तो और, कई बार सुरक्षा कर्मचारी मेडिकल के उच्च अधिकारियों तक को पहचानने से मना कर देते हैं। ऐसा ही वाकया बीते दिनों हो चुका है कि एक गार्ड ने मेडिकल के मेन गेट पर तैनात होते हुए मेडिकल के अधीक्षक को पहचानने से मना कर दिया था कि आप कौन हैं। आपको बता दें कि यह सब मामले आए दिन इसलिए होते हैं कि प्राइवेट ठेका कंपनी में ऊंची पोस्ट पर बैठे अधिकारी बिना किसी जांच पड़ताल किए बिना किसी भी गांव देहात के लड़के को पैसे के लालच में नौकरी पर लगा लेते हैं, जिन्हें कोई तजुर्बा या एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी वजह से आज दिन ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिनका खामियाजा दूर दराज से आए परिजनों एवं खुद मेडिकल के उच्च अधिकारियों को उठाना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में बुधवार की शाम उस समय गहमागहमी मच गई जब एक 26 साल का युवक फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि युवक को नशे की आदत थी और जिस वक्त युवक ने फांसी लगाई थी वह शराब के नशे में था। गढ़ा पुलिस के अनुसार भैरव नगर तिलवारा में रहने वाले राहुल बाल्मीक यूडीएस कंपनी में मेडिकल कॉलेज का सफाई कर्मचारी है और बुधवार की दोपहर सूचना मिली कि उसने कॉलेज के पीछे कचरा घर स्थित नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली। मौके पर पुलिस ने अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि राहुल मूलतः रीवा जिले का रहने वाला है और बीते 10 साल से वह अपने मामा सुनील कुमार बाल्मीक की भैरव नगर तिलवारा के साथ रह रहा था। युवक के मामा ने पुलिस को बताया कि युवक नशे का आदी था। आए दिन इसको लेकर घर में विवाद होता था, बावजूद मृतक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। नशे के कारण ही उसने आत्महत्या कर ली है। बहरहाल पुलिस ने युवक के शव को नीचे उतार कर पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। ये आज सुबह से करीब 7:30 बजे एक व्यक्ति सुनील वाल्मीक पिता बैजू 35 वर्ष भैरव नगर का निवासी, जो यूडीसी कंपनी कचरा उठाने वाली कंपनी में कचरा उठाने का काम करता है, इसके साथ में इसका 21 साल का भांजा राहुल भी पिता गणेश प्रसाद वाल्मीक भी काम करता था। तो कल दिनांक 5/1 को राहुल और सुनील दोनों मेडिकल कॉलेज में कचरा उठाने का काम पे गए थे और इनकी ड्यूटी 2 बजे से रात में 10 बजे थी। लेकिन रात में 10 बजे के ड्यूटी करने के बाद राहुल उसके साथ वापस नहीं आया। राहुल शराब पीने का आदि था। आज सुनील ने सुबह 7:30 बजे आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि राहुल सुबह घर नहीं आया और रात में उसने नीम के पेड़ में कचरा घर के पीछे फांसी लगाया लटका मिला है और इसकी जांच ASI बंसल द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट पर मर क्रमांक 1 धारा 174 CRPC का रजिस्टर्ड कर लिया गया है
और कार्रवाई की जा रही है। मानते कि मेडिकल में इतनी फैकल्टी होने के बाद भी मेडिकल कैंपस के अंदर पैसे लगाना, ये दूसरी घटना है। ये कचरा घर एक अलग स्थान पे है, वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड रहता नहीं है। मेडिकल के अंदर चूंकि वो कर्मचारी मेडिकल के कैंपस में ही नौकरी करता था, तो वह कोई अनजान या कोई बाहरी था नहीं, और उसने कचरा घर के पीछे और रात्रि के समय कचरा घर के पीछे कोई सुरक्षा का इंतजाम होता नहीं है। सुरक्षा कर्मचारी मेडिकल कैंपस में मेडिकल बिल्डिंग जो है उसमें रहते हैं, तो कचरा घर के पास कोई सुरक्षा का गार्ड नहीं होता। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।